अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों के? ये हमारा एक नया व्लॉग है। आज हमारी एग्जीबिशन का सेकंड डे है और आज वेडनेसडे है और हम अभी बस उठे हैं। सुबह हुई है हमारी, फ्रेश हो गए, चेंज वगैरह करना है। और यहाँ पे निशान भाई ने जो है आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। निशान भाई बोल रहे आज मैं स्ट्राइक पे हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रेन की स्ट्राइक है तो उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी है। बोल रहे आज मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं रिलीफ दो मुझे, तुम लोग काम करो। तो आज अंजुम भाई हमारे नाश्ता बना रहे हैं और आपको दिखाते हैं वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे तो दूसरी दिन के एग्जीबिशन का सारी डिटेल दिखाएंगे। अंजुम भाई सुबह उठ गए थे, सबसे पहले फ्रेश हो गए, उन्होंने जो है नाश्ता बना लिया भाई। माशाल्लाह ये प्याज वाला अंडा बनाया है, प्याज और मिर्च वाला, ये भी प्याज मिर्च वाला, और ये मेरा बगैर मिर्च वाला और प्याज वाला, और बाकी ब्रेड इन्होंने रेडी रखी है यहाँ पे। चाय कहाँ है यार, चाय अंजुम भाई नहीं बनाई? चाय तो बना दो, ये स्ट्राइक भी रहोगे तुम। दो बर्तन हटेंगे तो चाय बनेगी। चाय तो बना दोगे? नहीं चढ़ा, ऐसा पागल आदमी है, बोला था मैंने चाय चढ़ा दी। चलो कोई बात नहीं, वो अभी चाय रख रहा है, अंजुम भाई चाय भी रख रहे हैं। हम लोग भाई निकल गए अपार्टमेंट से और हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट मेन की तरफ। वहाँ से हम आज ट्राम सर्विस पे जाएंगे मैसे तक, क्योंकि आज है ट्रेन की स्ट्राइक। 3 दिन के लिए स्ट्राइक कर दी ट्रेन वालों ने, सारे ट्रेन ड्राइवर्स ने, यहाँ पे पूरे जर्मनी में। तो सारी ट्रेन बंद हैं, मेट्रो, इंटरसिटी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री सब बंद है। अब देखते हैं, आज ट्राम पे बहुत टाइट रश होने वाला है। 12 लोग पकड़ते हैं, यहाँ से हम लोग ट्राम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज रश कितना है ट्राम सर्विस पे। ये ट्राम्स यहाँ से मिलती हैं, हम मेन स्टेशन से एक स्टेशन पहले रुके हैं कि जो है यहाँ पे हमें जो है वो रश नहीं होगा तो आराम से ट्राम्स के अंदर जगह मिल जाएगी। हम देखते हैं भाई कि क्या होगा। हमने ट्राम का स्टेशन है, यहाँ से हम बैठेंगे। बंद हो गया, मैं से लिखा हुआ था इस पे अंजुम भाई, आप मानो मैं से। अबे यार निकल गई। अच्छा कहाँ से ट्राम मिल गई थी हमें, हम गलत डायरेक्शन में खड़े हो गए तो हम लोग ट्राम मिस कर गए। हम यहाँ पे सही डायरेक्शन में आए, मैं से जाएंगे। सही है। अब हमारी जो ट्राम है वो 17 नंबर है और वो 6 मिनट के बाद आ रही है। चले वेट करते हैं भाई। और ट्राम मिस करवा दी तुमने, गलत डायरेक्शन में खड़े हो गए हम लोग। पाकिस्तान समझ गए थे हम लोग। ये भाई हमारी ट्राम आ रही है, अब हम इसमें बैठ के मैसे फ्रैंकफर्ट तक जाएंगे। इस पर डायरेक्शन भी लिखी हुई है मैसे, ये देखें। ट्राम सर्विस के अंदर है भाई। ट्राम ने हमें जो है मैसे फ्रैंकफर्ट तक पहुंचा दिया। ट्राम से उतर गए और मैसे फ्रैंकफर्ट के मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए। यहाँ पे एग्जीबिशन का बैनर भी लगा हुआ है, ये देखें, ये मैसे फ्रैंकफर्ट का मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, उसके बाद वॉक करते हुए होल टेन। ठीक ठाक वॉक हो गई भाई आज, अभी तक हॉल 4 और 5 पहुँचे हैं, अभी 10 जाना है। ये ट्राम ने हमें हॉल 1 पे उतार दिया था। हॉल 5 पहुँच गए भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है आज हमारा एग्जीबिशन का सेकंड डे बहुत अच्छा गुजरेगा और हमें ऑर्डर्स वगैरह भी मिलेंगे। सर हमने बहुत सारे कस्टमर्स को रेट्स वगैरह कोट किए, अब आज देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है हमारे लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अल्लाह पाक मदद फरमाए, हमारी दुआओं में याद रखिएगा। बिल आखिर भाई हॉल 10 पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की वॉक करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हॉल 10.1 पहुँच गए। आज बहुत सन्नाटा यहाँ पे, अच्छे खासे लोग अभी तक पहुँचे नहीं पाए, सब खाली पड़े हैं इस टाइम। कस्टमर से सन्नाटा होगा, कस्टमर का भी सन्नाटा ही लग रहा है। जब एग्जीबिटर नहीं पहुँच पाए तो विजिटर कैसे पहुँचेंगे, ये देखिए अच्छे खासे स्टैंड बंद है, ये स्टैंड भी बंद है। ये हम अपनी रॉ में आ गए, अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये बंद है। ट्रेन की स्ट्राइक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है सबको लग रहा है, कितने लोगों को तो पता भी नहीं हुआ। ये भी बंद है अभी तक, ये भी खाली।
ये स्मार्ट बॉय पहुंच चुके हैं, भागते भागते बस में नहीं बैठे, 2.5 किलोमीटर वॉक करके आए। ये भाई साहब आ चुके हैं हमारे पास, इनायतुल्लाह से मुलाकात करने आए। लेट आए, लेट क्यों हो गए आप? वजह क्या थी? क्या वजह थी लेट आने? किससे? तो बता दो क्या हुआ, क्लाइंट से ही होगी ना, वो भी क्लाइंट ही होती हैं। वो कौन? जिनसे आप मीटिंग करके आ रहे हैं। आपको क्या पता किससे करके आ रहे हैं? हां जुम भाई, क्या हुआ, कितने कस्टमर आए सुबह से? अभी तो अपने कस्टमर चल रहे हैं। अपने कस्टमर चल रहे सुबह से सब फारिग बैठे हैं, सब आपस में गप्पे लगा रहे हैं। 10.3 पे हम लोग आए हैं इस वक्त। ये पाकिस्तान TDFP का स्टॉल था यहाँ पे। अभी हम एक कंपनी का स्टॉल ढूंढ रहे हैं, उससे थोड़ा सा हमें काम है। ये मागोरी टेक्सटाइल का स्टैंड है, वो मिल जाए हमें, वो काम हम करके फिर जाएंगे अपने स्टैंड पे दोबारा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी स्टैंड लगाती हैं। ये रंजू मंजू TDFP, ये रहा, हम TDFP में जा रहे थे। हाँ वही है मेरे ख्याल TDFP में। उसका नाम क्या था? हाँ देखते हैं, आ जाए। ये सब विंटेक्स का स्टैंड है, सिंपल एंड सोबर, पुरानी टेक्सटाइल। सिक्योरे गारमेंट्स, यूसुफ टेक्सटाइल, हमें पाकिस्तानी कंपनी का स्टैंड ढूंढ रहे हैं। वालेकुम चौधरी अहमद एंड सन्स, अशरफ टेक्सटाइल, हसन टेक्सटाइल मिल्स, अंजू मुस्तरफ, देखते हैं। ये सारे स्टैंड हैं यहाँ पे, देखें कितने बड़े बड़े स्टैंड हैं। अंजुम भाई कहाँ गए हमारे? अंजुम आज एग्जीबिशन में रश कम है क्योंकि ट्रेन्स की स्ट्राइक की वजह से। जमजम जमान टेक्सटाइल, यार हमें जिसको, हमें जिसकी तलाश है वो मिल ही नहीं रहा हमें। अब देखते हैं कहाँ है भाई वो। ये हम यहाँ पे आ गए, इस तरफ चाइनीज है और राइट पे चाइनीज है, लेफ्ट पे इंडियन है। ये देखें हम लोग TDFP के स्टैंड ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टैंड। देखते हैं कि कहाँ मिलेगा हमें, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिल नहीं रहा है। अंजुम भाई कहाँ है हमारे स्टैंड? पाकिस्तान के स्टैंड नहीं मिल रहे हमें। निशान भाई ने बताया कौन से फ्लोर पे हैं वो? उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। चले भाई ढूंढते हैं। ये मिल गया भाई TDFP का स्टैंड हमें। ये देखिए अभी पाकिस्तान का स्टैंड है। ये देखें आप लोग, बिल्कुल सन्नाटा है आज ऑलमोस्ट। बहुत ही कम लोग आए आज, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनेगा एग्जीबिशन का। ये हमारे भाई आ गए निशान भाई, ये देखें ये आए हैं, अभी ज्वाइन किया इन्होंने हमें। पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं भाई निशान, कहाँ घूम रहे हैं आप निशान भाई? निशान भाई यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। थैंक यू निशान भाई, आपके बैग का ब्रांड क्या था जो लगेज मिस हुआ है? अमेरिका कब गए आखिरी दफा आप? मैं तो इटली का ब्रांड है, 3 महीने पहले रात को गया था। 3 महीने पहले रात को गए थे, सुबह आ गए थे, सुबह उठ गया था तो फिर आ गया था। आपके बैग की ईमेल आ गई है? आ गई। हाँ, और ये इतनी चीजें मांग रहे हैं, बोल रहे अपने घर का बिजली का बिल दो, पासपोर्ट दो, शनाख्ती कार्ड दो, वीजा की कॉपी दो। नमाज की अदायगी के लिए भाई मस्जिद जा रहे हैं ऊपर, अब जो है नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से स्टैंड पे आएंगे। नमाज हो रही है भाई यहाँ पे, नमाज असर पढ़ ली है भाई, अब जो है दोबारा स्टैंड पे जा रहे हैं।
कस्टमर आए हुए पहुंचने वाले स्टैंड पे। ये मीटिंग चल रही है स्टैंड पे, बाहर आए हुए। क्या नंबर था अभी का? B35। बी की तो ये रो आ गई इधर आउट। 35 इधर मिलेगा। साबी टेक्सटाइल के स्टैंड पे जा रहे हैं। B35 लिबर्टी टेक्सटाइल। असाबी टेक्सटाइल मिल्स, ये हम असाबी टेक्सटाइल मिल्स के स्टैंड पे आ गए हैं। यहाँ पे अदनान भाई होते हैं, उन्होंने बोला था भारी मिल्स। एक से बढ़ के एक स्टैंड है भाई यहाँ पे तो। 10.2 में पूरा पूरा अपार्टमेंट बनाए हुए। तेरे को कोई छोटा ना स्टैंड नजर आया फातिमा विंग? कोई छोटा स्टैंड नजर आया तुम्हें अभी तक? अफरोज डिस्नी का मैन्युफैक्चरर हो गया ना, अफरोज टेक्सटाइल अथराइज मैन्युफैक्चरर डिस्नी का है भाई अफरोज टेक्सटाइल। एक भी छोटा स्टैंड दिखाओ मुझे। ये निषाद आ गया, निषाद मिल्स। तुम मुझे छोटा स्टैंड तो दिखा दो यहाँ पे, तुम बोल लो यहाँ पे छोटा स्टैंड लेने के लिए। निषाद वाले तो खाना बाहर भी बनाया हुआ निषाद वालों ने तो भाई। लकी टेक्सटाइल। ये बांग्लादेश के कोई आ गया, सारे पाकिस्तान के जाइंट यहाँ बैठे हैं भाई इस रो में ही है। अब वाली रो में चलते हैं। लकी का हाँ, उसमें भी निषाद ने भी किचन है पूरा किचन, वॉशरूम भी है। लकी का प्राइवेट मीटिंग रूम है ये। सारे जायंट्स यहीं पर ही आ गए पाकिस्तान के हैं ना अब्दुल्ला। लगाऊंगा यहाँ पे स्टॉल आगे मिल जाएगा छोटा मिलना चाहिए हैं। इस फ्लोर पे जिसने स्टैंड ले लिया उसके मजे आ गए, सही बता रहा हूँ मैं। ये फिर हम मुश्ताक टेक्सटाइल, मुस्तकीम प्रिंटिंग। मुस्तकीम का स्टैंड देखो, इस पर भी प्राइवेट मीटिंग रूम है, लाइन लगी हुई है भाई। ये ओरिएंट टेक्सटाइल मिल्स का कराची का स्टैंड है। पूरा पूरा डबल बेड लगाए हुए इन्होंने, बेडरूम बनाया हुआ नायदुल्ला, पूरा बेडरूम है भाई। ये गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का, गुल अहमद का स्टैंड। देख गुल अहमद में देखो तो सोफे पे सब रखे हैं भाई, सब बैठे हुए मजे से। पियानो भी रखा हुआ है। मत का स्टैंड का एंट्रेंस है, पूरा घर बनाया हुआ है उन्होंने ब्लॉक। ऐसा लग रहा है कि डिफेंस में 1000 का बंगला बनाया हुआ है गुल अहमद वालों ने। देखो तो पूरा 1000 का होगा, ये 1000 का होगा ये अलकरम टावल। सारे जॉइंट्स आए हैं भाई, इधर से उतरेंगे उधर से पीछे से। कमाल लिमिटेड, कमाल लिमिटेड आ गया। कौन देगा तुम यहाँ पे सब बड़े बड़े बिक रहे हैं? कमाल टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, एमके सन्स। हाँ एमके सन्स, बहुत बड़े बड़े स्टैंड है यार। ये कौन सा? इंडिया का है। इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना मिलता है भाई जो है। हम लोग विजिट करके सारे बड़े बड़े स्टैंड, अब हम जा रहे हैं दोबारा से अपने हॉल में स्टेयर के जरिए 10.2 से 10.1 पे। ये हमारा हॉल 10 है, इसके बाहर हम आ गए ट्रेन्स की स्ट्राइक्स की वजह से। हम जो है बस से जाएंगे अब हॉल 1 तक। सामने हॉल 11 नज़र आ रहा है, देखें
और ये है हॉल 10 और ये बस स्टॉप है सामने। हम इस बस स्टॉप से बस में बैठेंगे, बस जो कि आ रही है वो सामने एक बस भी है अभी नज़र आ गई हमें, ये रही। इस बस पे हम बैठ के हॉल 1 तक जाएंगे, वहाँ से हम ट्राम नंबर 16 या 17 में बैठ के अब मेन तक जाएंगे। ये दोनों वेट कर रहे हैं बस का। रोक ले भाई, बस रोक ले प्लीज़, रोक ही नहीं रहा यार, ये जा रहा है भाई, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों। बस में बैठ गए भाई, अब जो है हॉल 1 तक ये बस हमें छोड़ेगी। हॉल 1 की तरफ जाते हुए बस में बैठ के ऐसा लग रहा है बस को मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ सबसे आगे। बस से उतरने के बाद यहाँ से हम जा रहे हैं भाई ट्राम पे, यहाँ से सामने से ट्राम मिलेगी। ट्राम से उतर गए भाई हम 17 नंबर मेन अब्बानोफ पे, मेन अब्बानोफ पे उतर कर अब जा रहे हैं हम रोटी लेने के लिए, डिनर रेडी है। उसके बाद रोटी लेके और सुबह का ब्रेकफास्ट लेके हम जो है जाएंगे अपार्टमेंट। डबल रोटी और केक लेने के लिए आ गए हैं भैया। ये हमने ब्रेड ले लिए ब्रेकफास्ट के लिए, ये केक ले लिए ब्रेन केक स्टैंड पे रिफ्रेशमेंट के लिए। हम यहाँ पे रोटी लेने के लिए आए हुए, अभी आई नहीं है, दो रोटियाँ हमें लेनी है, खाना रेडी है घर पे, रेस्टोरेंट है पूरा, यहाँ से हम सिर्फ ये रोटी लेंगे। सामान ले लिए, अब जो है हम जा रहे हैं दोबारा से अपने अपार्टमेंट की तरफ और डिनर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक परदेश में देसी खाना खिला रहा है, इसका बहुत बहुत शुक्र है। आज हम खा रहे हैं बीफ का सालन, रोटी तंदूर की, अफवानी की और चावल है राइस, घर से जो लाए थे। आ गए तुम भी बस जी, बस ईशान भाई खाना खा रहे हैं। खाने के बाद भाई ग्रीन टी का मज़ा ही अलग है। अब जो है ग्रीन टी पीने के बाद जो है फ्रेश होके सोने की तैयारी है इंशाल्लाह। भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, एग्जीबिशन के 3rd डे के व्लॉग में अब आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।